500 कमेंट इस बारे में आ गया, अम्मा की हेल्प नहीं करती हैं। आज हम सारी बहनें मिलके इफ्तारी बनाएंगी। चिप्स काटे हैं, साथ में इसके बनानी है इमली की चटनी। फ्रिज में बनाना है आज फालसे का जूस। एक बात बताऊं, मुझे खुद भी नहीं पता मैं किस तरह की रेसिपी बनाने की। ये देखो राबिया डार्लिंग, ऐसे लग रहा है मम्मा को इत्तेकाफ से उठाया। Everyone, welcome to Sistrology. This is me, Ikra Kawa. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. और आज जो के छठा रोजा है और चैनल सब्सक्राइब कर दिया आप लोगों ने मेरा, नहीं किया फटाफट कर दें क्योंकि अभी मैं उठी हूँ अपनी सारी जो मैं काम शाम पहले निपटा लेती हूँ। समटाइम मैं आपको सैरी दिखा देती हूँ, समटाइम मैं सैरी नहीं दिखा पाती हूँ, मतलब नींद में उठी हुई और बस टाइम की वजह से आप फटाफट कर रहे होते हो तो नहीं आप दिखा पाते हो। रिसेंट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, उस वीडियो पे मुझे कोई 500 कमेंट इस बारे में आ गया कि जिनकी अम्मा काम करती रहती हैं, ये अपनी अम्मा की हेल्प नहीं करती हैं, ये बिल्कुल कुछ नहीं करती हैं, ये क्या हो गया, लोग इतना बोल रहे हैं। भाई आप लोगों को वो ट्रू स्टोरी पता नहीं होती है, लेकिन चलो कोई नहीं। फिर मैंने सोचा आज मेरी अम्मा इफ्तारी नहीं बनाएंगी, आज हम सारी बहनें मिलके इफ्तारी बनाएंगी, मम्मा आज टोटली रेस्ट करेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, फैंटास्टिक है, उन्होंने रोजा भी रखा हुआ है, मैंने भी रखा हुआ है। तो अभी चलते हैं अंदर जाके सूरत हाल देखते हैं। बर्तनों की आवाज आ रही है, अम्मा को हमने भेजना है किचन से बाहर। तो जी अब मैं अंदर आई हूँ और यहाँ पे ये लड़की, तुम्हें क्या हुआ है देखो जरा, ये क्या आए, हीरा की गर्दन ही नहीं मूव कर रही, दिखाओ मैं इसको कड़ाका निकालूं। मैं पागल हो, इधर मुंह करो, ऐसे करो, इधर देखो, उधर मुंह करो, उधर तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो ये नतीजा होता है लापरवाही का, इसका बेचारी का गर्दन जो है ना वो अकड़ चुका है और मुझे लगता है कि आज मेरे अम्मा के इस किचन में और इस टारगेट में ये लड़की मेरी हेल्प नहीं करने वाली क्योंकि वो बेचारी खुद नहीं चल पा रही है, मतलब उसकी गर्दन ही नहीं चल पा रही। गेट वेल सून, सब लोग कॉमेंट बॉक्स में कहें गेट वेल सून हीरा, गेट वेल सून हीरा। क्या हुआ ये फातिमा की वीडियो आ गई है, फातिमा की वीडियो जो इसलिए पिछले चलाकी वाली कहो ये वाली। ये देखो जरा, तुमने आज मेरे साथ मदद करवानी है, लोगों को बड़ा वेट था इसकी वीडियो का। चलाक बनी है कि मैं देख देख के हंस हंस के मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। 6 महीने बाद डालिया गाइस, जाके देखो यार प्लीज यार, अगली भी डालूंगी फिर पक्का वादा। एक सालों से 1 मिलियन हो जाएंगे तो नेक्स्ट सुबह नेक्स्ट क्या एक दिन में 1-1 मिलियन करते जो फिर ऐसे फ्लो में फेंकूंगी। देखो हमारे तो पहले से ही आलू काट लिए इतने से बस, नहीं ज्यादा। आप ये छोड़ दें अभी अभी इसी वक्त, आप ये काम को छोड़ दें, आज आपको हम इफ्तारी बना के दें। मम्मा आप यही रुके, मैं बाकी बहनों को कन्विंस करके आती हूँ, रुको 1 2 3। राबिया यार एक काम है, आज हमने खुद इफ्तारी बनानी है, मम्मा ने नहीं। पहली बात तो मुझे बहुत रोजा लग रहा है, मुझसे काम ना करवाओ, मैं तुमसे करवाऊंगी। मैं यूनिवर्सिटी भी गई थी और मैं इतना थक गई हूँ और मुझे बहुत रोजा लग रहा है, मैं चाह रही हूँ मैं सो जाऊँ। तुम्हें मैंने सोने नहीं देना, तुमने मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवानी है। मैं यूं वाली हेल्प करूंगी, मैं फिर तुम करूंगी। नहीं मैं ऐसा करती, मैं तुम लोगों को पीछे सुपरवाइजिंग करूंगी। नहीं हाँ मैं सुपरवाइजिंग करूंगी, बहुत अच्छा करूंगी। फिर कैमरा तुम पकड़ोगी और काम मैं करूँ। मानो आज मम्मा के लिए इफ्तारी बनानी है सबने, ठीक है, मम्मा को हम लोगों ने रेस्ट देनी। अब आ जाओ दोनों, मम्मी हम लोग अब जा रहे हैं किचन में, ठीक है। नहीं यहाँ सामने बैठ के देखूंगी। मम्मा सामने नहीं बैठना, कुछ ना कुछ जाया करके बैठी होंगी। नहीं नहीं जाया करती, आपको अपनी फातिमा बेटी पे भरोसा नहीं है। चलो इंटेलिजेंट चलाक, चलो उठ जाओ, चलो फातिमा उठो। हाँ मम्मी ना चलो तुम लोग इधर आओ, इधर आओ जल्दी। मम्मा मैंने किया था सारा, जीती उसने चिप्स। हाँ मैंने तो कहा था कि मैं बनाऊंगी। सारा प्राइज में चूल्हा बंद ही नहीं करते, ये तो इतना पता नहीं है करने लगी कुकिंग। तो तुम जान के कर रही, पता है टाइम थोड़ा, ये कई फारिग वक्त में ऐसी बात नहीं। नहीं आप जाए ना, ना रोजे में मैं ये देखे, हमने एक लड़की लगा भी दिया काम में, वो इस वक्त जो है ना वो आलू काट रही है। ये क्या किया तुमने आलू को, मानो आलू ग्रे कर दिए ध्यान से बेवकूफ। मेरा दिल था कि आपको सरप्राइज, आप चली जाए, आप सो जाए, आप
इस लेडीज को जो काम ये खराब ये बगैर लेकिन मैं तो अच्छा बनाती हूँ, मेरे लोगों से पूछो मैं सबसे अच्छी बेस्ट शेफ हूँ मैं। हाँ बता रही हूँ, शी इज प्रो। मैं कौन जानता है। पहले डिसाइड करो डिशेस क्या क्या बनाना। मैं तुझे करूंगी बहुत तंग, सारी स्टाइल बना के मम्मा को कर दूंगी दंग। लो जी राबिया ने कह दिया तो मैं जा रही हूँ। आ गई मम्मा, लोग कहते हैं आप राबिया से ज्यादा प्यार करती हूँ, बस ठीक है। अपने मैं शक है कौन कौन जल, ऑब्वियसली मैं जल रही हूँ। राबिया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ये फ्राइज फ्राई करना है, ठीक है। आलू वो काट रही है, वो मैं बनानी, मैं बनाऊंगी आज का मेरी रेसिपी पता है येलो लोडेड फ्राइज, बाकी अपना मम्मा देख। मैं बना रही हूँ पकौड़ों का सामान, बाकी के करके सब मैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम बनाने लगे हैं पर्पल फालसे क्योंकि ज्यादा है इसका जूस। ज़ैनब फैसल ने ये चिप्स काटे हैं, चलो उसने काटे हैं। जल गई बोटी, बोटी हो गई। राबिया ने एक साइड बना ली है, ठीक है। अब टिशू मानो, टिशू चक्कर आ रहे हैं, जाओ टिशू लेके आओ जल्दी। यहाँ से हमें मिले हैं जी नगेट्स, ये भी कुछ है, इनको भी हम फ्राई करेंगे। गरम गरम चलो मामा आप चले ना, मैं बना लूंगी। मुझे फैसल ने संभाल लिया, ये हमारी सुशील बहन देखो अब ये क्या लगा रही है इसके ऊपर। मेरी बारी है ये चीजें फ्राई करने की, तो मैं इनको तब तक अलग करती हूँ। चल बेटा इधर आ, मुझे शामी बनाने हैं, मुझे नगेट्स फ्राई करने हैं, और मुझे गोला कबाब बनाने, और उसके अलावा मुझे साथ में इसके बनानी है इमली की चटनी, और साथ मैंने ड्रिंक में बनाना है आज फालसे का जूस। अम्मा जो है ना वो यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत स्टार्ट करती है। मम्मा आपको आज मिलनी है ट्रीट इकरा कवल की तरफ से, तो अब आपने बाहर नहीं आना। अच्छी अच्छी बनानी है, गंद ना और कोई गलत चीज नहीं करनी यार। पहले मेन चीजें बनाना, इमली की चटनी कैचअप से भी काम चला लेंगे, मुश्किल काम करते हैं। पहले ये ना फ्राई करो, नहीं इमली की चटनी ये फ्राई करते हैं, वो हीरा फ्राई कर रही है अंदर चीजें। इसके लिए चीनी नहीं डालना, खट्टी खट्टी या मीठी हो जाएगी। चीनी के बगैर नहीं, मैंने खट्टी वाली डालना, मैं देख के तो हां काफी है। हां ऐसे दो मिनट में अभी हीरा को आने तो मसाले वो डालेगी क्योंकि उसका उसको पता है। काला नमक डालते हैं, काला पता है काले नमक क्या कहते हैं, नहीं पता इंग्लिश कब सीखेगा। काला नमक या तुम कम है, तुम लोगों का पानी इतना नहीं होता, नहीं और डालो फुल इमली है उसके लिहाज से पानी कम है। अब इसमें चीनी डालनी है, चीनी के बगैर वाली मैंने नहीं बनानी। अब इसमें मसाला हसबे जरूरत तुम डालो। हमारी सारी इफ्तारी में जो फातिमा फैसल है वो काफी चलाक है और वो सिर्फ खाने के लिए आएगी। चलो जी अब सारी नई चीजें निकाल रही है, क्यों प्रेजेंटेशन, मामा Present... की दावत कर रही हो। मामा की एक्चुअल में दावत ही है। राबिया कामचोर, ज़ैनब कामचोर, रफू चकर हो चुकी है। पकौड़ों का सामान काट लिया बस, अब जो कुछ पड़ा है वो सब कुछ इफ्तार में रख दो जी। नगेट्स और इसके अलावा वो क्या थे, इसके अलावा गोला पुलाव, गोला कबाब, गोला कबाब कह रही हूँ। मैंने ना ये सारा बना लिया है पकौड़ों का मटेरियल इकरा कवल शेफ के साथ, आपको तरीका बताते हुए। ये हाथ मैंने अच्छी तरह धो लिए थे, अब हम इसको अपने साफ सुथरे हाथों से मैरिनेट करेंगे, ठीक है। मुझे लगा कह रही है अब हम इसको करेंगे अपने हाथों से कतल। ग्लव्स पहन के करते हैं, ऐसे ना करो, मेरे हाथों में लग गई। मैं ऐसे बहुत प्रोफेशनल शेफ हूं। चलो मैं जा रही हूँ पकौड़े, ये तुम फ्राई करो जाके, मैं तब तक हाथ धो लूँ। पागल चूल्हा ज्यादा दे गया ना, चूल्हा काम करो, नहीं वैसे ठीक है ब्राउन। ये खाली क्यों होने, काला हो रहा है। दो जरा प्रोफेशनल कुछ करना, इतना टेस्टी खाना, भूख लग रही है मुझसे। इसी ने मेरा तोड़ के छुड़वाया, और लोगों ने कहा था ज़ैनब खेल गई। इमली बाजी आज आपका अल्लाह हाफिज है। इमली का दहेज की वैसे लग रहा है, इमली को हमने उबालने के लिए रखा हुआ, और इमली बेचारी घूमी जा रही, घूमी जा रही, घूमी जा रही है। पकौड़े केचप के साथ नहीं, इमली के साथ अच्छे लगते हैं। मसाला जात लेकर आ चुकी है। एक बात बताऊं, मुझे खुद भी नहीं पता मैं किस तरह की रेसिपी बनाने की, बट कुछ ट्राई करने लगे इमली के साथ। साथ में हम लोगों ने रख रही है शक्कर, कितनी खट्टा है ना, तो खट्टी मीठी बनानी है तो इतनी आपको शक्कर भी डालनी जितनी इसमें खटास। लाओ मैं हिलाऊं इसको, रहने दो तुम तो, अपने शरीफ हाथ पीछे ले दो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे, इसमें पापरिका पाउडर डालेंगे, फिर हमने इसमें डाले हैं चिली फ्लेक्स काफी ज्यादा सारे। अब हम इसको थोड़ा सा सोटे करेंगे, मतलब हमने एक तड़का टाइप चीज बनाया, इसको दो चार सोटे मारे। इससे ना इसे पता क्या होता है, जो स्पाइस का कच्चापन होता है ना वो मर जाता है। इसके ऊपर हम इसका सारा ये जो इसका सोल्यूशन बना है, ये इसका तड़का है, ठीक है, दाल पे तड़का है, ये इमली का तड़का है। अब मैं बैठी हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। एक डिश बनाने में इतना टाइम लग जाता है, मैं सोचती हूँ जो लोग इतनी सारी डिशेस बनाते हैं वो क्या क्या करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही तुम लोगों ने इसकी गुठलियाँ रिमूव क्यों नहीं की, पहले ये बताओ। मैंने रिमूव करनी थी भाई, अल्लाह उठा ले इसको। अब इसको मैंने फ्राई कर लिया, मुझे कोई बुलाया, मुझे बहुत रोना लग रहा है, खबरदार किसी ने मुझे बुलाया। वेट किया, सबसे पहले
दफा हो जाओ। ये देखो राबिया डार्लिंग, मैंने सारी चीजें बना के सेट कर ली हैं और देखो मजे की है। देखो ये इस पे सबसे ज्यादा टाइम लगा बेचारी पे। ठीक है चलो अब सबको बना बुलाओ के इफ्तारी। कोई चीज की कमी कौन सा? ओ फालसा किधर है? सुबह मैंने दिया था, फ्रीज हुआ था। मुझे तुझे मिल चुका था हमें ये सर्द सर्द फालसा। अब इसको हम वॉश करेंगे और उसके बाद डालेंगे जी जग में। ओके तो एक दिन है फुल इफ्ताही लगा दी है और ये हमारी सारी, ये तो राबिया ने तैयार की। हाँ राबिया ने सारा। ओए ज़ैनब इधर यहाँ मम्मा की सीट है, उठो यहाँ पे बैठना। इधर उठो उठो, मम्मा को भी लेके आते हैं ना। चलो रोजा स्टार होने में थोड़ा ही टाइम रह गया गाइस। यहाँ पे मैंने टेबल शेबल सजा दिया, ये मेरी तरफ से मेरी माँ के लिए। मेरा मदद नहीं अंदर डालनी, तुम्हारी मदद है भाई। राबिया के बगैर ये सब कुछ पॉसिबल ना होता, हीरा के बगैर भी कुछ भी पॉसिबल ना होता, और इस लड़की के बगैर सब कुछ पॉसिबल था। ऐसे लग रहा है मम्मा को इतकाफ से उठाया। चलो चलो वो देखें आपकी बेटियाँ पहले से ही। आज मेरी अम्मा ने सब कुछ खाना है और आपकी बेटियाँ पे। इधर 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 नहीं, अभी पूछेंगे ना अभी इफ्तारी पर। यार फातिमा किधर है? फातिमा सो रही थी, उसको उसको उठा दो, उसको कोई इफ्तारी होने वाली है। पहले मम्मा का रिएक्शन तो देखो। मम्मी तो ऐसे तो कोई दे, वीडियो ने काम किया यार। खुश हो रही है, अंदर अंदर से खुश हो रही है। नहीं ये बता, रोजा लगा कि नहीं? नहीं रोजा तो आज मुझे, लेकिन आज बहुत लगा रोजा। मम्मी को जरा खुशी नहीं हो रही है। इसने किसने आप खुद ही सा अभी तो टेस्ट करके रोजा खोल के बताएंगे। मैंने रेडीमेड चीजें बनाई, राबिया ने पक्का फ्राइज बनाई। हाँ और आधी फ्राइज मैंने बनाई, आधी राबिया ने। दो डिप चटनी भी, ये चटनी ये चटनी ये मैंने नहीं निकाली है, मैंने कहीं से चोरी नहीं की। कोई नेट यूज नहीं किया, मेरी अपनी रेसिपी थी, बस आपने टेस्ट करके बताना कैसी बनी। ठीक है चलो अब फातिमा को उठा के लाओ, जल्दी जाओ फातिमा को उठा के लाओ। फाइनली हमने फातिमा को उठा लिया और बेबे को पूरा याद था कि मेरा रोजा है तो मैंने उठना है, वरना ये लड़की को फातिमा नेल नहीं, फातिमा हमेशा नेल कर। और इस लड़की ने तुमने इन इस पूरे मेन्यू में कहाँ हेल्प की है? हाँ बड़ी बात है, हाँ। देखा है अभी, देखा है बताएगी। हाँ और फिर बताएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हो चुकी है, अब हम करने लगे हैं रोजा फ्राई। रोजा मम्मा पूरा दिन, मैं अपने हिसाब लगा सकती मेरी माँ कितना खपती होंगी। मैं पूरा दिन, मेरा दिमाग इधर फ्राई हो गया। मैं कह रही हूँ गाइस अब रोजा फ्राई हो गया, तो हम करने लगे रोजा इफ्तार। ओ माय गॉड राबिया को प्लेट दो यार, मैं जब पकड़ूंगी तब छोड़ना ना। फातिमा कैसी लगी चटनी? पकौड़े चटनी मजे की। पकौड़े मैंने बनाए मम्मा अपने हाथों से, वो चीन 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 की है। पकौड़े चटनी मजे की है ना, मैंने भी खुद खाई है। अब मैं खाने लगी खाना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज हमने अपनी माँ को कुछ भी नहीं करने दिया। अच्छी बात, अच्छी बात है ना। चलो आप ये चटनियाँ डाल के दे। बिस्मिल्लाह। गुठलियाँ ना दिया करो यार, गुटनियाँ अच्छी होती हैं, मजा आता है। मेरी मम्मा तो बस चटपट कर रही हैं। मम्मा कैसा लगा फिर? आज फर्स्ट टाइम इफ्तारी सारी खत्म हो गई। हाँ सारी खत्म हुई है, मैं मुझे यकीन नहीं आ रहा, वरना गाइस हमारे घर हर दुकान का खाना बच जाता है। मम्मा बनाया है, आप अपनी तारीफ कर रही हैं या फिर कुछ और कह रही हैं? हाँ फर्स्ट टाइम इफ्तारी खत्म हुई। रोज बने ऐसी आगे खाऊं। क्या कह रही हो अब इसको? क्या जुगत याद आई? धीरे धीरे सब मजा आ रहा है। रैबिट ने रुक के रेस पूरी नींद पूरी की और उसकी जो रेस में रैबिट रुक के सोने गया। क्यों सोने क्यों गया था? फाइनली हमारी जो है वो इफ्तारी हो चुकी है और वाकई में इफ्तारी के बाद कोई ऐसी नींद आती है। अब सबने नमाज पढ़नी, चलो उठो। मैं सिर्फ आपको ना गुठलियाँ दिखाऊंगी मेरी माँ ने कितनी मिली। बुरी बात, गुठलियाँ इसलिए जमा किए क्योंकि हम गुठलियाँ निकालना भूल गए थे। इसलिए हीरा को पसंद है, गुठलियाँ मुझे खुद गुठलियाँ पसंद है। तो टाइम हो रहा है 11 बज के, ओए 12 बजने में कोई 20 मिनट रह गए हैं। ये देखते हैं राबिया मैडम क्या कर रही है। स्किन केयर भी करनी चाहिए इंसान को। हाँ राबिया अपने नाक को उतारते हुए, अब ये जब तुम निकालोगी ना तो तुम्हें ऐसी कोई जहरीली दर्द होगी ना, फिर तो मुझे बोलना। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, कहीं मुझे दर्द नहीं होती। तो मर्द हो जो तुम्हें दर्द नहीं होता। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि मर्द को दर्द नहीं, लड़कों को ज्यादा लड़कियों को दर्द होता है। वो इंसान है, नाक पे जो भी लगाएगा उसको दर्द होगा। तो मर्द को ज्यादा दर्द होती है क्योंकि उनके अंदर बर्दाश्त का एलिमेंट नहीं होता। यस गर्ल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मेन। आज सुस्ती चढ़ रही है ना, मैं सुस्त हो जाऊं। आप नहीं सुस्त होती, 5-5 बेटियों को पालती है, आप नहीं सुस्त होती। वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश करो बच्ची वाली।
हाँ मैंने सबको बुलाया और सबको एग्री किया कि आज मम्मा को रेस्ट कर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। चलो मम्मी आप भी करो मेरे साथ, करें एक दफा ट्राई करें। नहीं 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 ऐसे तो भी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सर पे अब मुनी जा।